show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle. What does it mean? First of all, beta, it means that say beta, this is a circle. मैंने सर्कल बना दिया यहाँ पे. राइट, अब बेटा इसके अंदर जो भी आप डिफरेंट ट्राइंगल्स बनाओगे, जैसे बेटा ये ट्राइंगल हो गया, अब जरूर क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो ट्राइंगल्स बनेंगे उसमें जो मैक्सिमम एरिया होगा बेटा वो रेक्टेंगल का नहीं होगा, वो स्क्वायर का होगा. जो मैक्सिमम एरिया होगा बेटा वो रेक्टेंगल का नहीं होगा, वो किसका होगा? आपका स्क्वायर का. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ आप देख सकते हो बेटा इसका एरिया पहले वाले से ज्यादा है. इसका जो एरिया है बेटा पहले वाली जो रेक्टेंगल से आपको देखने में दिखाई दे रहा है ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर, और बेटा ये कहीं से भी रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है. क्वेश्चन यही है आपका, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्कल. अब सर्कल बेटा यानी कि यहाँ पे गिवन क्या है आपका कि सर्कल फिक्स है. सर्कल फिक्स होने का मतलब बेटा आपको गिवन क्या कि आपका जो रेडियस है बेटा वो फिक्स है. स्क्वेयर है तो मैक्सिमम एरिया, मैंने भी आपको रेक्टेंगल भी दिखाया था बेटा स्क्वेयर, आप देख सकते हो स्क्वेयर का जो एरिया है बेटा सर्कल के अंदर वो रेक्टेंगल से ज्यादा है. वो जो मैक्सिमम एरिया होगा बेटा जिस फिगर का वो रेक्टेंगल ही होगा, वो क्या होगा बेटा? स्क्वेयर. ठीक है, अगर जो रेक्टेंगल बेटा जो सर्कल के अंदर है अगर उसका एरिया मैक्सिमम है तो वो फिर बेटा वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो क्या होगा? स्क्वेयर होगा. यानी कि लेंथ उसकी किसके इक्वल होनी चाहिए? रेड. राइट, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया था सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? गिवन. गिवन क्या है बेटा इस क्वेश्चन में? सर्कल फिक्स है. सर्कल फिक्स होने का मतलब क्या हो गया बेटा? जो उसका रेडियस है बेटा वो फिक्स है. रेडियस ऑफ ए सर्कल इज एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव कि जो सर्कल का एरिया और जो रेक्टेंगल उसके अंदर होगा बेटा उसका एरिया क्या होना चाहिए? मैक्स. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा बेटा उसका एरिया क्या? उसका एरिया क्या होना चाहिए? मैक्स. और अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है बेटा कि ये जो फिर बेटा ये रेक्टेंगल नहीं है, ये आपका क्या होगा? स्क्वायर. यानी कि जो इसकी लेंथ है बेटा फिर ब्रेथ क्या आनी चाहिए? अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम आता है तो इसकी लेंथ बेटा किसके इक्वल आनी चाहिए? आपकी ब्रेड के इक्वल. किसके इक्वल आनी चाहिए बेटा? ब्रेड के इक्वल. बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. अगर मैं क्वेश्चन की फिगर की बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ सर्कल, देन बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो मैक्सिमम एरिया होगा बेटा वो किस फॉर्म में होना चाहिए? आपका स्क्वायर की फॉर्म. तो मैक्सिमम एरिया होगा बेटा किस फॉर्म में होना चाहिए? आपका स्क्वायर की फॉर्म. राइट, तो बेटा दिस इज द फिगर. सर्कल के अंदर बेटा जो भी फिगर जिस भी फिगर का मैक्सिमम एरिया होगा बेटा वो क्या होगा? आपका स्क्वायर. राइट, नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लेट, क्योंकि सर्कल का रेडियस बेटा फिक्स है, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर. राइट, देन बेटा द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स एंड breadth of rectangle is equal to 1. Right? Now beta say so this is the center of a circle.
बेटा ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका राइट, रेडियस आपका क्या है बेटा फिक्स है, और ये हो गया बेटा आपका लेंथ, और से ये होगी बेटा आपकी, ये हो गया बेटा आपका तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये क्या हो गया बेटा आपका राइट। नाउ बेटा यू कैन सी दैट बेटा अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ, वी नो दैट बेटा जो रेक्टेंगल होता है बेटा उसके सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, तो बेटा एक राइट ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इज अ राइट ट्रायंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल भी क्या होता है बेटा 90 डिग्री, कैन आई से दैट इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, नाउ बेटा बी डी स्क्वायर is equal to BC square plus CD square, BD बेटा ये आ रहा है, ये भी आ रही होगा, ये सेंटर है आपका, तो BD कितना हो जाएगा बेटा 2R, ये हो जाएगा बेटा आपका 2R square equal to बेटा BC, BC कितना बेटा Y square, और CD कितना बेटा आपका X, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 4R square इक्वल टू बेटा y स्क्वायर प्लस बेटा x राइट, बेटा ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब बेटा यहां से व्हाट आई कैन डू, y स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होगी इन टर्म्स ऑफ x, 4r स्क्वायर, भाई वेरिएबल का ऑपरेटर बेटा एक ही करना होता है फंक्शन का, तो हम x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बेटा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y विल बी इक्वल टू रूट 4r स्क्वायर माइनस x, दिस इज इक्वेशन नंबर राइट। नाउ बेटा डी नॉट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD as fx, क्योंकि y को अगर x की फॉर्म में बेटा हमने कन्वर्ट किया तो फंक्शन हमारा किस फॉर्म में होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल fx है, यानी कि l into b, तो ये क्या हो जाएगा बेटा x into y, it will be equal to x into y, बेटा fx की वैल्यू क्या आ जाएगी x into y की जगह क्या आ जाएगा बेटा रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस x using one means from first. Right. Now beta say this is first function. और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका second. हम product rule apply करेंगे means differentiate with respect to x. तो बेटा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स, फिर बेटा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 2 राइट, देन बेटा प्लस सेकेंड फंक्शन इज एस एच एस 4r स्क्वायर माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो बेटा एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा राइट, तो बेटा इट विल बी इक्वल टू माइनस 2x इनटू एक्स, माइनस 2x इनटू एक्स हो जाएगा बेटा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बेटा रूट 4r स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बेटा इंटू वन है, राइट right. अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा वन, फर्दर बेटा माइनस टू एंड टू विल बी कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ, बेटा यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से एलसीएम आ जाएगा बेटा आपका रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब रूट फोर आर स्क्वायर, रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद बेटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, को बेटा इससे डिवाइड करोगे तो रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, और रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बेटा जब आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल हैव प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी बेटा, and further it will be equal to 4r square minus 2x square divided by beta root of 4r square minus x square, ये value आ जाएगी बेटा आपकी, right? तो बेटा ये जो value आई है आपकी, ये आपकी value किसकी आ गई, ये आपकी value आ गई आपकी f dash x, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू। नाउ बेटा फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट बेटा जो आपका एफ डैश एक्स है इट विल बी इक्वल टू जीरो, तो बेटा जब आप जीरो के इक्वल करोगे डिनोमिनेटर तो बेटा जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो बेसिकली जो न्यूमरेटर होगा बेटा वही जीरो के इक्वल होगा, बेटा फोर आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो, राइट? तो फर्दर बेटा इट विल बी माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर आर स्क्वायर, फाइनली बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू से माइनस फोर को माइनस टू से अगर हम कैंसिल करेंगे इट विल बी टू आर स्क्वायर, इट विल बी टू आर स्क्वायर, तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट टू आर, एक्स बेटा लेंथ है रेक्टेंगल की तो नेगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था क्रिटिकल पॉइंट जो होता है बेटा वो आपका एक ही एप्लीकेबल होता है दूसरा आपका पॉसिबल ही नहीं होता, तो ये वाला पॉइंट बेटा पॉसिबल नहीं है, ये बेटा आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। नाउ बेटा जो आपका एफ डैश एक्स आया था मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, यस फोर आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था बेटा फोर आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर बेटा ये आपका हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया बेटा आपका डिनोमिनेटर, यहाँ पे बेटा जब इनका डेरिवेटिव करेंगे यानी कि जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या था बेटा आपका इक्वेशन नंबर टू, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट वी गोना हैव एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर दैट इज रूट 4r square minus x square, मैंने बेटा डेरिवेटिव और न्यूमरेटर 4r square का तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट हो गया तो 0 माइनस बेटा 4x, मैंने बेटा माइनस साइन कोशेंट रूप में माइनस आता है न्यूमरेटर इज एज सच है तो बेटा 4r square minus 2x square, देन बेटा डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 2 वन बाय टू रूट एक्स बेटा फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉन्स्टेंट का तो बेटा जीरो माइनस टू एक्स, कॉन्स्टेंट का बेटा जीरो माइनस टू एक्स, और बेटा देन डिनोमिनेटर में क्या होता है बेटा
क्वोशेंट रूल में डिनोमिनेटर में क्या होता है बेटा, जो भी आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, मींस स्क्वायर ऑफ रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मींस रूट हट जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स, राइट। तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, फाइव डैश एक्स विल बी इक्वल टू, अब बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था, हमें सिंपलीफाई नहीं करना होता, हमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को इस वैल्यू पे रख के देखना है ताकि इसकी जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है बेटा पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। क्रिटिकल पॉइंट्स आपका रूट टू आर, जो क्रिटिकल पॉइंट इज रूट टू आर, राइट। तो बेटा एफ डबल डैश अगर मैं एक्स की जगह रखता हूँ रूट टू आर, एक्स की जगह क्या रखता हूँ बेटा रूट टू आर, राइट। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो रूट टू आर मैं यहाँ पे रखूंगा फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह बेटा रूट टू आर है, एक्स की जगह क्या है बेटा रूट टू आर, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा बेटा आप इस वैल्यू को देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह बेटा रूट टू आर रखता हूँ तो रूट टू का स्क्वायर क्या होगा टू और बेटा आर स्क्वायर, तो फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बेटा जीरो, तो ये पूरी वैल्यू बेटा जीरो हो जाएगी आपकी, फोर आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स की जगह बेटा रूट टू आर रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, स्क्वायर करूंगा ना बेटा रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा टू और साथ में आर स्क्वायर, टू टू जा फोर, तो फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर, तो बेटा ये जीरो थे पूरी की पूरी वैल्यू जीरो, कैन आई से दैट ये जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाएगी आपकी, इट विल बी फोर आर स्क्वायर माइनस, अब एक्स की जगह बेटा वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह जब मैं रूट टू आर को रखूंगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा टू आर और साथ में बेटा माइनस फोर, और यहाँ एक्स की जगह रूट टू आर रखूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा रूट टू आर, माइनस में क्या आ जाएगा बेटा जीरो, माइनस में क्या आ जाएगा बेटा जीरो, एंड देन डिनोमिनेटर वैल्यू फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की मतलब बेटा टू आर स्क्वायर, राइट। फर्दर बेटा व्हाट वी कैन डू, ये हो जाएगा बेटा आपका रूट फोर आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर, इट विल बी रूट टू आर स्क्वायर विद इन ब्रैकेट माइनस फोर रूट टू आर अपॉन बेटा फोर आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर, इट विल बी व्हाट, इट विल बी टू आर स्क्वायर, राइट। फर्दर बेटा रूट टू आर स्क्वायर मीन्स व्हाट, रूट टू आर माइनस फोर रूट टू आर अपॉन बेटा टू आर स्क्वायर, तो बेटा आपको देखिए पता चल रहा है अगर मैं ना भी सॉल्व करूं तो ये वैल्यू क्या है कि नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव साइन है बेटा, और अगर आप सॉल्व करना भी चाहते हो बेटा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा आपका, रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा टू, तो बेटा ये भी कैंसिल हो, आर आर बेटा आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा टू, तो बेटा ये भी कैंसिल, फर्दर इट विल बी इक्वल टू माइनस फोर, माइनस फोर का मतलब क्या हो गया बेटा इट इज, तो डबल डेरिवेटिव बेटा आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब बेटा इट इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू रूट टू आर, राइट। अब बेटा हमें ये प्रूफ करना, अगर मैक्सिमम है तो ये स्क्वायर होगा, अब बेटा अगर मैक्सिमम है तो ये क्या होगा एक स्क्वायर, राइट। अब फ्रॉम इक्वेशन वन बेटा वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारी, रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स, यही था बेटा, तो हम पुट कर देंगे बेटा जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया एक्स इज इक्वल टू रूट टू आर, जब बेटा हम इसको पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा रूट ऑफ फोर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब बेटा टू आर स्क्वायर, यू कैन सी दैट बेटा फोर आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा रूट टू आर स्क्वायर, इट मीन्स y इज इक्वल टू व्हाट रूट टू आर, इट मीन्स y इज इक्वल टू व्हाट रूट टू आर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा दैट इज लेंथ जो कि बेटा आपकी एक्स थी, ब्रेथ जो कि आपकी वाई थी, बोथ आर इक्वल विच इम्प्लाइज एरिया इज मैक्सिमम
व्हेन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ये बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट। ओके okay?